इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू बीबी न्यूज। आज की खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि तंदूरी रोटी पर थूक लगाने का मामला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। मेरठ और गाजियाबाद के बाद में दिल्ली से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स रोटी पर थूक लगाकर सेक रहा है। वहीं उसके साथ एक और व्यक्ति भी काम कर रहा है। ये वीडियो दिल्ली के ख्याला इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर दो शख्स किसी होटल पर काम कर रहे हैं और इसी दौरान इनमें से एक शख्स थूक लगाकर रोटी को सेक रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दिव्या अरोरा नाम की एक ट्विटर यूजर ने बताया कि दोनों आदमी साबी अनवर और इब्राहिम नाम के व्यक्ति को थूक लगाकर रोटी सेंकते हुए देखा गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आज सुबह विनोद जैन नाम के एक ट्विटर यूजर ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी वीडियो टैग जांच करने की मांग की थी और इसके साथ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। गौरतलब है कि इससे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें शादी में रोटी बनाने के लिए आया शख्स थूक लगाकर तंदूरी रोटी को सेंक रहा था, जिसके बाद ये मामला खूब चर्चा में आया था। दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।